सबके कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज हमारे पास बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जो आपके फ्यूचर को बेहतर बनाएंगी, मतलब फ्यूचर बेशक खुदा की जात, लेकिन आपने फ्यूचर में क्या करना है, अपने आप में बेहतरी कैसे लानी है, अपने आप में चेंज कैसे लाना है। अगर आपकी दिमागी दही बन चुकी है तो उसको लस्सी कैसे बनाए, फिर छाछ बना के उसको पानी बना के रिलैक्स कैसे हो, वो आपको बताएंगी। और अगर कोई यहाँ पर आपको परेशानी है, टेंशन है, कुछ भी है जो आपके दिमाग में चल रहा है, वो आज माहम बानो आपको जो है वो बताएंगे उसका हल। सो माहम आने का बहुत शुक्रिया, मैंने आपकी बहुत तारीफ की। थैंक यू सर, ऑनेस्टली मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरी मुलाकात हुई। मैं तो सोच रही थी कि मैं आपका नंबर ले लूंगी अगर मेरे दिमाग की दही। सारा क्रेडिट मेरे उस्ताद को जाता है जिन्होंने पाकिस्तान में इस चीज को शुरू किया है। हम मुझ समेत कई हजारों लोग जो है वो इस ट्रेनिंग से फायदा उठा चुके हैं और मेरी यही, हम सबकी जितनी भी टीम है पाकिस्तान में उसकी यही कोशिश है कि ये ट्रेनिंग, ये तरबियत हर इंसान, हर शख्स तक पहुंचे और वो अपनी जिंदगी के अंदर आसानी करा सके। आपके साथ डॉक्टर मोहम्मद आलम साहब हैं और उनका जिक्र पहले भी हमारे शो में हो चुका है, मैं उनकी पिक्चर भी दिखा चुकी हूँ, और जबकि आप लोगों ने मुझे इन्वाइट भी किया है तो मैं जरूर जाऊंगी। और मैं कहती हूँ कि ये अवेयरनेस होनी चाहिए, परेशानियाँ हर किसी को होती है, हर किसी के पास टेंशन होती है, तो किसी डॉक्टर के पास जाना, उससे बात करना, अपने दिल की बात करना, तो हमें लगता है कि अगला बंदा अब तो ये पागल हो गई, ये ऐसा नहीं है। प्लीज, हर बीमारी का जैसे इलाज होता है, तो अगर आपके दिमाग की कोई परेशानी है क्या, उसका इलाज बहुत आसानी से है। इट डजंट मीन कि आप पागल हो गए या कुछ हो गया। तो हम इस तरह अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम शर्मा के जाते हैं, हम डर के जाते हैं। सो प्लीज़, मैंने बहुत तारीफ सुनी है डॉक्टर आलम साहब की और माहम बानो की, तो मैं तो वहाँ पर ज़रूर विजिट करूँगी, वहाँ पर जाऊँगी। मेरी जो परेशानियाँ, मेरी जो टेंशन है, अगर मुझे जो चीज़ इरीटेट कर रही है मैं उनसे डिस्कस करूँगी एंड आई एम श्योर कि वो मुझे सुकून ही मिलेगा, मैं रिलैक्स होंगी। तो आप भी जरूर जाया करें और किसी भी तरह का कोई भी इशू हो तो फिलहाल मजीद मैं आपके दिमाग की दही नहीं बनाऊंगी, मैं जाऊंगी अपने एक्सपर्ट्स की तरफ और उसके बाद आज माहम से हम आगे फ्यूचर प्लानिंग के बारे में पूछेंगे कि हम क्या करें, कैसे करें, अपने आप को बेहतर कैसे करें, या हमारे आसपास जो नेगेटिव लोग हैं उनसे खुद को कैसे बचाएं। ठीक है जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि यहाँ पे अभी माहम ने हमारे सबके टेस्ट कर रही है, यहाँ पे हमें कान में कुछ लगा के इनका था, और कितना किसका स्ट्रेस है, कौन कितने पीस में है, और बीच का क्या था, न्यूट्रल, जहाँ पर ना तो आप फायदे में है ना नुकसान में, न्यूट्रल आप कितने हैं वो था। तो ठीक है, मेरा मेरी रीडिंग क्या आई है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी और वो हम आपको सिखाएंगे, लेकिन अगर आप स्ट्रेस में हैं तो वो पीस वाले पोर्शन में आपने कैसे जाना है, सुकून वाले पोर्शन में आपने कैसे जाना है, हम आपको तीन स्टेप्स सिखाएंगे जो माहम आपको सिखाएंगे के बाद बानो हमें बताएंगी कि हम अपने स्ट्रेस को कम कैसे करें और पीस की तरफ कैसे बढ़ें, सुकून की तरफ जिसकी तलाश हम सबको है, और क्या आप प्रैक्टिस खुद घर पे करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुकून मिले और आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मैं जाएगा हमारे आ चुके हैं और माहम बानो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, और माहम जो है आज मैं इनकी मॉडल यहाँ पे बनी हुई हूँ और ये बताएंगी लाइव आज शो में कि मेरा स्ट्रेस कितना है मुझे और बीच नॉर्मल कितना एंड पीस कितना है। तो इस वक्त यकीनन जब हम शो कर रहे होते हैं तो हम थोड़ा सा स्ट्रेस में होते हैं, दैट्स नेचुरल कि यार कोई ऐसी बात ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए क्या, और एक जिम्मेदारी होती है। सो लेट्स सी, और मुझे उस वक्त क्या करना चाहिए वो आप बताएंगी और साथ साथ में लोगों को आप बताएंगी। ठीक है, तो मुझे इयररिंग्स उतारने, आपका एक इयररिंग आप उतार लीजिए, ये सेंसर है सनम, और ये आपके कान पर आप सिंपली इसको लगा लीजिए एयरलोब पर अपने। अच्छा, हम ये कर रहे हैं सनम के पहले आपका, जी बिल्कुल सही लगाया,
पहले आपका हम बिफोर द ट्रेनिंग एक रीडिंग ले रहे हैं और उसके बाद हम ट्रेनिंग करके एंड वी आर गोइंग टू टेक द रीडिंग अगेन, दोबारा फिर रीडिंग लेंगे, ठीक है? सो लेट्स बिगिन. थोड़ा सा टाइम लगेगा इस सेंसर को आपकी रीडिंग लेने में. यहाँ पर आपका हार्ट रेट मेरे पास आ रहा है, आपका HRV हार्ट रेट वेरिएबिलिटी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, और रीडिंग हम किस तरह से लेते हैं, रीड करते हैं, वो मैं अभी सबके साथ शेयर करूँगी कि हाउ वी टेक द रीडिंग. ठीक है. अच्छा, और ये कितनी देर का होता है? ये तकरीबन एक मिनट इसको हम देते हैं कैलिब्रेट करने के लिए. लेकिन यहाँ पे अहम बात ये होती है सनम के एक अनट्रेन्ड शख्स जो है, ओह माय गॉड, इट्स ओके, इट्स ओके. अनट्रेन्ड शख्स ही मैं ये बात बता रही थी कि वो आपकी तीनों स्टेट में शिफ्ट होता रहता है कॉन्स्टेंटली, ठीक है? ओके, मैं तो डर गई 100% स्ट्रेस देखे. तो अभी तुम ये देखो, मैं यहीं पर रोक रही हूँ. नहीं नहीं नहीं, रोके नो, जितना आए नेचुरल आए वो बताए. अच्छा, तो वो फिर दोबारा से आपकी रीडिंग कर लेगा. अच्छा, कान पे यहाँ पे लगाने से कैसे होता है? देखो, जिस तरह से मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स को हार्ट का कोई इशू हो तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है, वो उसका ECG करता है, ठीक है? और उससे पता चलता है कि उसके हार्ट के अंदर कोई इशू तो नहीं है, वो फंक्शन सही कर रहा है या नहीं कर रहा. तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया भर में इस वक्त काम कर रही हैं, वो इंसान के दिल के ऊपर काम कर रही हैं, और उन्होंने इस तरह के इक्विपमेंट बनाए हैं जिसके ज़रिए आप अपने बेसिकली स्ट्रेस के लेवल को देख सकते हैं. तो ये सेंसर लगा के करने का मकसद ये है सनम, ताकि हम अपना देख सकें शिफ्ट बॉडी के अंदर. क्योंकि वैसे हम करेंगे तो बज़ाहिर हम ये सोचेंगे ना शायद कि पता नहीं कोई अंदर तब्दीली आई या नहीं आई, ऐसा करने से क्या मेरे जिस्म के अंदर कुछ बदला या नहीं बदला. तो जब सेंसर लगा हुआ होता है तो आपको वो शिफ्ट फौरन ऑन स्क्रीन, आप उसकी रीडिंग ले सकते हो. ठीक है, ठीक है. सो यहाँ पर जो अभी आपकी रीडिंग आई है वो बेसिकली रेड इंडिकेट कर रहा है स्ट्रेस का लेवल बॉडी के अंदर इस वक्त आपका जो है. ब्लू इंडिकेट कर रहा है आपके अंदर की न्यूट्रल कैफियत को, यानी कि ना तो इस वक्त मैं स्ट्रेस में हूँ ना मैं सुकून में हूँ, एक न्यूट्रल कैफियत है. और जो ग्रीन है वो इंडिकेट कर रहा है आपके अंदर की पुरसुकून कैफियत को. एक अनट्रेन्ड शख्स जो है सनम, खुश हो रही है थोड़ा थोड़ा नहीं यार, क्योंकि मेरा पहले बहुत ज्यादा आया था. एग्जैक्टली, क्योंकि एक अनट्रेन्ड शख्स जो है वो अपनी इस कैफियत को मेंटेन नहीं रख पाता. आपको थोड़ी सी कोई डिस्टर्बेंस की सोच आएगी, आपकी रीडिंग फॉरन रेड में चली जाएगी, फिर आप थोड़ा सा काम डाउन होंगी तो आप ग्रीन में आ जाएंगी. सो ट्रेनिंग इस बात की हम देते हैं, तरबियत इस बात की है कि किस तरह से आप एट विल अपने आप को पुरसुकून कैफियत में रख सकें. क्योंकि जब आप पुरसुकून कैफियत में होते हैं तो आपके जिस्म के अंदर सर्टेन केमिकल रिलीज होता है. इंसान का जो दिमाग है वो एक पूरी फार्मेसी की तरह काम करता है, उसमें हर वो केमिकल प्रोड्यूस होता है जो कि आपको अपनी पूरी जिंदगी में यू विल एवर नीड इन योर लाइफ टाइम, ठीक है? तो जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन और केमिकल रिलीज हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, उसकी वजह से आपके जिस्म के तमाम ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, आपकी सेहत अफेक्ट होती है, आपकी मेमोरी, आपका डाइजेशन, आपका इम्यून सिस्टम, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही होती हैं. इसी तरह से जब आप अपने आप को पुरसुकून कैफियत में शिफ्ट करते हैं तो उस वक्त आपका ब्रेन वो सुकून का केमिकल रिलीज करता है बॉडी के अंदर. तो हमारी क्या प्रैक्टिस है? वो तीन स्टेप्स, हाँ, वो तीन स्टेप्स ये हैं. हम बेसिकली आज सीखेंगे हार्ट कोहेरेंस की टेक्नोलॉजी, और हार्ट कोहेरेंस की टेक्नोलॉजी एक स्ट्रेस को मैनेज करने का सिस्टम डिज़ाइन किया गया है जिसके ज़रिए से आप अपनी जज्बाती कैफियत को शिफ्ट कर सकते हैं अपनी बेहतरी के लिए. अच्छा, एक आम शख्स के लिए ये पॉसिबल नहीं होता ना कि यार मूड ख़राब हो गया, गुस्सा आ गया तो आज का तो पूरा दिन मेरा बुरा गुजरेगा, काम भी नहीं सही हो रहा, पढ़ाई भी नहीं, स्टूडेंट्स के लिए होता है नहीं सही हो रही है. तो ऐसा क्या करें कि एट विल में एकदम से अपने मूड को सही कर लूँ, एक अच्छी स्टेट में आ जाऊँ. तो ये आपको इस बात की एबिलिटी देता है कि आप एट विल विद इन मिनट्स किस तरह से अपनी इमोशनल स्टेट को नेगेटिव से या नॉन लविंग से इन टू अ सुकून और कोहरेंट स्टेट शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? सो इसके करने से स्टेप्स बताने से पहले मैं सिर्फ ये बता देती हूँ कि ये साइंस काम किस तरह से करती है. इंसान के दिल के अंदर से जो है वो इनविजिबल एनर्जी सिग्नल्स बाहर निकल रहे होते हैं, जैसे कि हम स्क्रीन पे इस वक्त दिखा रहे हैं, और ये सिग्नल्स हर इंसान के जिस्म से तकरीबन 8 फीट बाहर तक आ रहे होते हैं, जो आके आपका दिल रिलीज कर रहा होता है. इन सिग्नल्स के अंदर मौजूद होती है इंफॉर्मेशन, मालूमात. क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है? जो उस वक्त आप महसूस कर रहे हैं, जो भी आपकी जज्बाती कैफियत है. यानी उस वक्त अगर आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, डिस्टर्ब हैं, तो आपके उन सिग्नल्स के अंदर से डिस्टर्बेंस निकल रही है.
आपके दिल जो एमिट कर रहा है, और उस वक्त अगर आप सुकून में हैं तो आपके उन सिग्नल्स के अंदर से सुकून की इन्फॉर्मेशन निकल लिया। आपने कभी इस बात को नोट किया है सनम के कुछ लोगों के साथ बैठ के आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है? Exactly. आपको लगता है कि मेरी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ गई, मुझे मज़ा आता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं इनके साथ टाइम गुजारूं, जबकि कुछ लोगों के साथ बैठ के आपको लगता है कि आपकी एनर्जी थोड़ी लो हो गई, सर में दर्द हो गया या बहुत डाउन फील करना शुरू कर रहे हैं। अमूमन जो लोग बहुत ज़्यादा शिकायत में रहते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचों में रहते हैं, तो उनके हार्ट के अंदर से बेसिकली जो एनर्जी निकलनी होती है, आप हाँ, हर इंसान का दिल एक ट्रांसीवर की तरह काम कर रहा है जिसमें से सिग्नल्स निकल भी रहे हैं और वो रिसीव भी कर रहा है। तो इस वक्त जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं उस 8 फीट के फासले पे, तो आपके हार्ट से जो सिग्नल्स एमिट हो रहे हैं वो मेरा हार्ट रिसीव कर रहा है, जो मेरे हार्ट से एमिट हो रहे हैं वो आप रिसीव कर रहे हैं, और उसका असर आपकी बॉडी के अंदर, आपकी सेहत के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये बात कॉन्शियसली हमें पता नहीं होती लेकिन हम इसे कभी कभी महसूस करते हैं। तो हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि मेरे दिल से निकलने वाले जो सिग्नल्स हैं, जो कि निकल रहे हैं और ताहयात जब तक हम हयात निकलते रहेंगे सोते जागते, तो हम ये कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारे दिल से निकलने वाले जो सिग्नल्स हैं उनको हम पॉजिटिव और पुरसुकून कर सकें, ताकि हमारे आसपास के लोग भी आपकी अपनी सेहत, आपकी अपनी जिंदगी और जो भी आपके लव्ड वंस हैं, आपकी फैमिली है जिनके साथ आप रहते हैं, उठते बैठते हैं, काम करते हैं, उन सबको भी आपकी प्रेजेंस से एक अच्छी फीलिंग और फायदा पहुंचे। ठीक है, सो अब आते हैं हम टेक्निक की तरफ, हार्ट कोरेंस की। ठीक है, और ये सब हम बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब टिप्स हम जो देनी है टीम वो हम ब्रेक के बाद देंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते द मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग। एक मंजिल में है सारा जहां, जिसको तू ढूंढे कहां कहां, तोड़ आए ये सारे सितारे लाए वो यहां। नई सुबह है, नई बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं और हमारे साथ माहम बानो मौजूद हैं। अब बताएंगी आपको कि किस तरह आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और पीस सुकून की तरफ जा सकते हैं। हमें अक्सर लोगों को गुस्सा आ जाता है और वाकई हम ये कहते हैं कि यार आज तो सारा दिन बुरा गुजरेगा, तो ऐसा नहीं है। वो लम्हात आपके ठीक है बुरे गुजरे लेकिन बाकी जो दिन है वो आपका अच्छा गुजर सकता है, लेकिन कैसे? Absolutely. मैं सिर्फ सनम एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, लोग जो ये समझते हैं कि स्ट्रेस कोई बहुत बड़ी परेशानी या इशू का नाम है, ऐसा नहीं है। एक दिन के अंदर आप कई मर्तबा, बहुत सी बातें होती हैं जिससे आप उलझते हैं, आप बॉदर होते हैं, इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं। इट कुड बी एज सिंपल एज कि बिल आ गया है और इसकी ये डेट है और अब इसको जमा कराना है। ये सोच का सिर्फ आना ही आपके अंदर वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स को लेकर आता है, और साइंटिफिकली ये बात अब सामने आई है कि आपके ज़िंदगी के अंदर किसी भी डिसईज का जो सोर्स है वो स्ट्रेस है। और यहाँ पे डिसईज से मेरी मुराद बीमारी तो है ही है, लेकिन कोई भी और दिक्कत, परेशानी, रुकावट जो आपको अपनी ज़िंदगी में किसी भी हवाले से आ रही हो, चाहे वो आपके ताल्लुकात के हवाले से आ रही हो, आपको अपनी माली फरवानी के हवाले से आ रही हो, आपको ज़हनी सुकून के हवाले से आ रही हो, तो उसका रूट कॉज स्ट्रेस है। और एक बात सुनकर आपको हैरत होगी सनम, कि साइंस ने अब इस बात को जो है वो इस रिसर्च के बाद वो इस पर पहुँचे हैं कि इंसान के जिस्म में बीमारी डायग्नोस पता है कब होती है? जब आपके जिस्म के अंदर 80% नुकसान हो चुका होता है। उससे पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप टेस्ट कराएंगे, आपके टेस्ट क्लियर आएंगे, आपको होगा कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप सोचें कि वो जो पूरा 80% का अमल है उसके वो आप जानते ही नहीं, उसके बाद आपको पता चलता है, उसके बाद वो डायग्नोस होती है या किसी भी टेस्ट में आती है। अब दवाई खाकर क्या हम उस 80% को रिकवर कर सकते हैं? आम हालात में नहीं। अब हम दवाई खा के सिर्फ जो 20% बचा है हमारे पास, हम उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना अहम है कि बीमार होने से पहले आप इन चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी के तरीके को, अपना रोज़ जैसा दिन आप गुजार रहे हैं उसको आप सही जगह पर लेकर आएं, डेली बेसिस पे आप सही करें, क्योंकि आजकल हम 24/7 24 घंटे सिर्फ
स्ट्रेस की हालत ही में रहते हैं। हाँ, तो हार्ट कोरेंस की टेक्निक की तरफ हम आते हैं और एक सिंपल चीज है जो कि घर में आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तीन सिंपल स्टेप्स में गाइड कर रही हूं। अच्छा ठीक है, वो बता दो, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर मैं डिप्रेशन के बारे में पूछूंगी। स्ट्रेस अगर क्रॉनिक शक्ल इख्तियार कर ले तो वो फिर अगेन डिप्रेशन की सूरत, तो उसको भी इस तरह हैंडल किया जा सकता है जो अभी आप बताएंगे। ठीक है, सो पहला स्टेप ये है कि आप अपनी पूरी तवज्जो अपने दिल की धड़कन के ऊपर लेकर आएंगे। तो आप चले सारे लोग यही करेंगे, अब हथेली जो है अपने सीने के सेंटर पे रखकर और अपनी हार्ट बीट को महसूस करें फॉर ऑडियंस। ठीक है, जो भी कोई और इस वक्त सोच आ रही हो, कहीं और जहन जा रहा हो, वहां से अपनी सोचों को मुनकता करके अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी तवज्जो अपने हार्ट के ऊपर लाइए। सेकेंड स्टेप पर आते हैं और सेकेंड स्टेप है हमारा ब्रीदिंग, सांस लेने की तरतीब। ठीक है, उसको हमें एक रिदम में लेकर आना है। तो यहाँ पर स्क्रीन पे हमारे पास एक रिदम डिजाइन की हुई है जो कि 10 सेकंड की रिदम है, जिसमें ये 5 सेकंड्स बॉल ऊपर जा रहा है तो हम इनहेल करेंगे, सांस अंदर लेंगे, और 5 सेकंड्स बॉल जब नीचे आ रहा है तो हम एक्सहेल करेंगे और सांस बाहर निकालेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये हार्ट फोकस ब्रीदिंग है तो आपका सांस लेते हुए जो पूरी तवज्जो है वो आपके दिल के ऊपर रहेगी। आप ये महसूस कीजिए कि आप अपने दिल के जरिए से इस वक्त सांस ले रहे हैं अंटिल आपकी ब्रीदिंग बिल्कुल बैलेंस्ड और स्मूथ हो जाए। और अब हम इसके साथ ही तीसरे स्टेप को इसमें ऐड करते हैं जो कि है फीलिंग, यानी महसूस करना। और हमें क्या महसूस करना है? मोहब्बत की, सुकून की, खुशी की, मज़े की फीलिंग को। कोई भी ऐसा शख्स जिसका तसव्वुर आते ही आपके अंदर एक मोहब्बत की कैफियत आती हो, कोई भी ऐसा काम जिसको करते हुए आपको बहुत अच्छा लगता हो, बहुत मज़ा आता हो, उस फीलिंग को इस वक्त फील कीजिए। तवज्जो अपने दिल के ऊपर रखिएगा, सांस इस तरतीब में लीजिएगा और उस फीलिंग को फील कीजिए जो कि एक बहुत अच्छी मोहब्बत की, सुकून की फीलिंग है। और ये तीनों स्टेप्स करते ही आपके जिस्म के अंदर वो केमिकल बनना शुरू होता है जो कि पुरसुकून हालत में आपका दिमाग आपके जिस्म के अंदर रिलीज़ करता है। और उस केमिकल के जिस्म में आते ही आपकी जो सेहत है, आपकी ज़िंदगी है, आपका ओवरऑल एनर्जी लेवल है, आपकी पॉजिटिविटी, कामनेस, आपकी हेल्थ, आपका इम्यून सिस्टम, आपके ब्रेन फंक्शंस, क्योंकि दिल और दिमाग का दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। जितना बेहतर आपका दिल फंक्शन करता है उतने ही बेहतर आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग भी इम्प्रूव होती है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, अगर उनको ऐसा लगता है कि वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हैं, तवज्जो नहीं दे पाते हैं, या एक हाउसवाइफ जो कि डेली अपने घर के कामों को संभालने में बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, बच्चों को संभालने में बाज़ औक़ात आपको होता है ना कि आपको जल्दी जल्दी गुस्सा आ रहा है या आपका टेम्परमेंट जो है वो स्टेबल नहीं रह पाता, तो उन तमाम चीज़ों के लिए आप इसको रोज़ाना सुबह के टाइम प्रेफरेबली 5 से 7 मिनट ज़रूर कीजिए और एक रात को सोने से पहले ज़रूर करें। लेकिन ड्यूरिंग द डे जब जब आप लो फील करें, जब जब आपको ऐसा लगे, और ना भी लो फील करें तो लो फील करने से पहले आप इसको कीजिए, 80% वाला वो चीज ना आए आपकी मैनेज हो। एग्जैक्टली, वाओ। तो अब मैं दोबारा चेक करूं? हाँ, अब आप इसको अपने कान पे लगा लीजिए सेंसर, और अब ये करते हुए सनम हम आपकी रीडिंग लेंगे जो अभी आपने सीखा। तवज्जो आपकी दिल के ऊपर, ब्रीदिंग आप स्पेस में लेंगी, ठीक है, इस रिदम में, और फीलिंग को फील करना है। परफेक्ट, ओके। चलिए कोई अच्छा सा गाना लगा दें प्लीज। ठीक है, ये मैं ब्रीदिंग है, ये आपका एक्सहेल है, ये आपका इनहेल है। वेरी गुड। ट्रेनिंग से पहले सनम की रीडिंग ली थी, वहाँ पर स्ट्रेस था बहुत ज़्यादा, न्यूट्रल था और काम स्टेट बहुत कम थी।
जबकि अभी यहाँ पर आपकी रीडिंग जीरो पे है. जैसे ही आप अपनी इमोशनल स्टेट को डिस्टर्ब से पुरसुकून कैफियत में लाते हैं तो उस एक लम्हे के अंदर 1400 बायोकेमिकल चेंजेस एकदम आपके जिस्म के अंदर आते हैं. तो ये करना आपके लिए शिफा है. ये करना आपके लिए शिफा है क्योंकि इस वक्त आपकी बॉडी का जो नेचुरल हीलिंग सिस्टम है वो जागता है. जबरदस्त, थैंक यू सो मच. और हमारा वक्त खत्म हो चुका है. वाकई लग रहा है कि पीस है और सुकून है लाइफ में और सेट पे. आप सबसे इजाजत दीजिए, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा और दो में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद. आई लव यू. जिसको तू ढूंढे कहां कहां तोड़.